आमतौर पर मंदिरों में लोग माथा टेकने के साथ साथ चढ़ावे भी करते हैं। लोगों के चढ़ावे में फूलों की मालाएं, प्रसाद या जिनके पास अधिक पैसा होता है वे सोने चांदी का चढ़ावा करते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग देवी देवताओं को फूलों की माला नहीं बल्कि चप्पलों से बनी मालाएं चढ़ाते हैं। ये मंदिर कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में स्थित लक्मा देवी का मंदिर है। इस मंदिर के बाहर नीम का पेड़ है। माँ के भक्त मंदिर के बाहर नीम के पेड़ पर चप्पलें टांगते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके द्वारा चढ़ाई गई चप्पलों को माँ रात भर पहनकर घूमती हैं, जिससे चढ़ाने वालों की सारी इच्छाएं व दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दरअसल हर साल दीपावली के बाद आने वाली पंचमी के दिन इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। उस दिन देश के हर कोने की बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। इस दिन श्रद्धालु मंदिर में मन्नत मांगते हुए मंदिरों में लगे नीम के पेड़ पर चप्पलों की मालाएं बांधते हैं। गांव वालों का कहना है, देवी माँ एक बार पहाड़ी पर टहल रही थी, तभी दूत तारा गांव के देवता की नज़र देवी माँ पर पड़ी। उसके बाद दूत तारा गांव के देवता ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देवी माँ उनसे बचने के लिए अपने सिर को जमीन में धसा लिया था। लक्मा देवी का मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है। माता की मूर्ति को उसी व्यवस्था में रखा गया है और लोग आज भी देवी माँ की पीठ की पूजा करते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इससे पहले मंदिरों में बैलों की बलि दी जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा जानवरों की बलि पर रोक लगाने के लिए बलि देना बंद कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि इसके बाद देवी माँ क्रोधित हो गई थी और उन्हें शांत करने के लिए यह परंपरा शुरू की गई थी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।